देखें जी, पैसे उसको मिलते हैं जो खर्च करे। मेरा ख्याल है जगीर को जितने पैसे मिले हैं, मेरे ख्याल उसने मुझे 100% छोड़ है, उसने का 2-3 लाख अपनी जेब से भी खर्च कर दिया होगा। आज तक कभी नहीं हुआ कि लूजर टीम तो हमेशा वो मुंह छुपा के जाती है, ये तो अपने जेबों में पैसे भर के ले जाएगी। फर्स्ट टाइम होगा कि हारी हुई टीम को भी इतने पैसे मिल रहे हैं कि शायद वो पूरा साल भी कोई टूर्नामेंट खेले तो इकट्ठे नहीं हो सकते। उन्होंने हमारी तवक्को से ज़्यादा हमें दे के गए हैं, क्योंकि बड़ा आदमी जो बात करता बड़ी करता है। अच्छी ऐसी फैसिलिटीज़ दे, ऐसे इनाम दे ताकि बच्चों में शौक़ पैदा हो, लेकिन जब तक शौक पैदा नहीं होगा थोड़ा सा मुश्किल काम है। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं डार हॉकी एकेडमी के रूहे रवां और उनके जनरल सेक्रेटरी जनाब इरफान ज़िया साहब। इरफान ज़िया काफ़ी अरसे से डार हॉकी एकेडमी के साथ मुंसलिक हैं, बल्कि उनके फाउंडर मेंबर्स में से शुमार होता है। इरफान ज़िया वो एक शख्सियत हैं जिन्होंने डार हॉकी एकेडमी के उन खिलाड़ियों को जो आज खेल में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, उनको तराशने और तराशने में तौकीद डार के साथ कदम से कदम मिलाकर उस तरक्की का सफ़र तय करवाया। इरफान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया इरफान, एक और अच्छा इवेंट आपके क्रेडिट में। हाँ, ये इवेंट हमारा ज़रा बाकी इवेंटों से हट के था। पहले हम टीमें बुलाते थे फ्रेंडली मैचेस सीरीज के लिए, दिस इज़ अ टूर्नामेंट जस्ट लाइक जिस तरह बड़ी बड़ी ट्रॉफी हैं, चैम्पियन ट्रॉफी वगैरह होती है। छोटा सा हमने टूर्नामेंट कराया 4 टीमों का, और पंजाब की बेस्ट अकेडमीज जहाँ हॉकी होती है उनको बुलाया, और बहुत अच्छा कंपटीशन था। और लास्ट टाइम तक ये नहीं पता था कि कौन सी टीम हमें निकाल के कौन सी टीम फाइनल में आएगी। बिल्कुल ज़िया। इरफान, मुझे आप ये बताइए, हाईटेक ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के तावुन से और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और डार हॉकी एकेडमी के इश्तराक से ये इवेंट जारी है। इसके साथ साथ सिटी स्टील ने भी आपके साथ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड्स, कैश अवार्ड्स जो हैं वो दिए हैं। तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर का कौमी खेल में किरदार कैसा समझते हैं आप? सर, ये बहुत अच्छा हुआ सर, ये हाईटेक वाले, छोटा सा हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो ब्रिगेडियर ताहिर भट्ट साहब की मेहरबानी, उन्होंने उनसे बात की कि टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। हमारा इरादा था छोटा टूर्नामेंट कराने का, लेकिन करते करते ये टूर्नामेंट इतनी हाइट पर चला गया कि हमें खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये टूर्नामेंट इतना अच्छा हो जाएगा। उसमें कैश प्राइजेस भी हैं, हर मैच का मैन ऑफ द मैच भी हैं, और काफ़ी प्राइजेस हैं। एक अच्छा तजर्बा कर लिया आपने, और मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि तजर्बा जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं। तजर्बा ये कि आज एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO जनाब तैयब इकराम साहब भी तशरीफ़ लाए थे और अच्छे खासे इनामात से नवाज गए आते जाते, और मैं तो हैरान हो गया कि डोमेस्टिक हॉकी में एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO की ऐसी क्या दिलचस्पी। सर, ये हमारी गुड लक है, उन्होंने हमारा काम देखा। आज से काफ़ी अर्से पहले भी उन्होंने हमें अप्रिशिएटेड लेटर दिया था कि डार अकेडमी बहुत अच्छा काम करी, आज आए, और उन्होंने हमारी तवक्को से ज़्यादा हमें दे के गए हैं, क्योंकि बड़ा आदमी जो बात करता बड़ी करता है, जो काम करता बड़ा करता है, वो बड़े आदमी हैं, और उन्होंने बड़ा काम किया हॉकी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और आज जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया कि 5 लाख रुपए का एक बड़ा हैवी कैश प्राइज उन्होंने डार हॉकी एकेडमी के लिए अनाउंस किया, उसके अलावा तमाम पार्टिसिपेटिंग जो हॉकी एकेडमी थी उन सब के लिए 1-1 लाख रुपये का कैश प्राइज, और डार हॉकी एकेडमी को 2 गोलकीपिंग किट्स भी दे के गए हैं, और उसके साथ साथ 1-1 गोलकीपिंग किट जो है ताहिर ज़मान हॉकी एकेडमी और असलम रोडा हॉकी एकेडमी के लिए भी अनाउंस किया। तो ये इंसेंटिव्स खेल में क्या बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन लेकर? बड़ी खुशी की बात है, जिनके पास पैड नहीं है वो पैड मिल गए उनको, और जो लाख लाख रुपए अनाउंस किया है, आज तक कभी नहीं हुआ कि लूजर टीम तो हमेशा वो मुँह छुपा के जाती है, ये तो अपने जेबों में पैसे भर के ले जाएगी। और मेरा जो रास्ता उनका लाहौर से वापसी का होगा बड़ा खुशगवार होगा, क्योंकि उनके जेब में पैसे होंगे, और ये फर्स्ट टाइम होगा कि हारी हुई टीम को भी इतने पैसे मिल रहे हैं कि शायद वो पूरा साल भी कोई टूर्नामेंट खेले तो इकट्ठे नहीं हो सकते। इरफान, मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है सर, ये बिहाइंड आवर लिमिट्स, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, फेडरेशन को चाहिए, पंजाब को चाहिए, लॉर्ड डिस्ट्रिक्ट को चाहिए, वो ये टूर्नामेंट ऐसी फैसिलिटीज़ दे, ऐसे इनाम दे ताकि बच्चों में शौक़ पैदा हो, लेकिन जब तक शौक पैदा नहीं होगा थोड़ा सा मुश्किल काम है।
इरफान, आपने शौक की बात की, ज़ौक की बात की और साथ ही प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात की, ये स्ट्रेटजीज तौकीर डार को किसने सिखाई और ये कोई और क्यों नहीं सीखता? बड़ा अच्छा आपका सवाल है सर। देखिए जी, पैसे उसको मिलते हैं जो खर्च करे। मेरा ख्याल है तौकीर को जितने पैसे मिले हैं, मेरे ख्याल उसने, मुझे 100% श्योर है, उसने 2-2.5-3 लाख अपनी जेब से भी खर्च कर दिया होगा।